हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं केशव शर्मा, आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको एक जरूरी बात बताने वाला हूँ इस चैनल से रिलेटेड। देखो यार, चैनल के अंदर बहुत सारे ऑडिशन और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक्स मैं कवर करता ही रहता हूँ, बट मैं आज आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो एक एम था कि भाई, अब जितने भी लोग मुझसे जुड़ते हैं और वो ज़्यादातर ऑडिशन और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही होने चाहिए, मतलब कि वही लोग होने चाहिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री के अंदर, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर, वही लोग इस चैनल के साथ जुड़ें तो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप दूसरे लोग इस चीज़ को सब्सक्राइब करें इन चैनलों को, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा आपको कुछ भी देखने को जल्दी से नहीं मिलेगा। और अगर मेरा फ्यूचर कोई प्लान रहा तो शायद अपडेट हो सकती है, बट हालांकि अभी कोई अपडेट नहीं आने वाली दोस्तों। अपडेट आएंगी सिर्फ रजिस्ट्रेशन और ऑडिशन से रिलेटेड। तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको अभी से बोल देता हूँ कि भाई, अगर आपको वास्तव में टीवी सीरियल ऑडिशंस के अंदर जाना है तो आपको जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकलते हैं उनको ज़रूर सबमिट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ही फायदा है, क्योंकि दोस्तों आप सोचते हो कि यार, हमको डांस नहीं आता, हम क्यों रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें, या फिर हमको सिंगिंग नहीं आती क्यों करें। जो सिंगर हैं वो डांसिंग में नहीं जाना चाहते, और जो डांसर हैं वो सिंगिंग में नहीं जाना चाहते, जो एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं वो और कोई फॉर्म नहीं फिल करते। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ब्रो, आप फॉर्म तो फिल करिए, फॉर्म फिल करिए, ऑडिशन देने जाइए, कुछ भी बोलिए, आपका डर खुलेगा। अब जब आपकी बारी आएगी तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आप अपना ऑडिशन अच्छे से दे सकते हैं। मतलब कि जितने भी मैं फॉर्म्स बताता हूँ, ज़्यादातर कोशिश कीजिए आप भर दीजिए फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में कोई चार्ज नहीं लगता, और उसके बाद आपका जब ऑडिशन होता है, अगर नियरेस्ट सिटी पड़ता है तो जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नियरेस्ट सिटी नहीं पड़ता, दूर पड़ता है, तो फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास और ऑप्शंस बच जाते हैं। बट यार, मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता, तो आपको भरने में क्या प्रॉब्लम है जब आपको करियर ही बनाना है। आपने दोस्तों एक्टर देखा होगा, एक्टर डांस भी करता है, एक्टिंग भी करता है, और कई कई बार उसको सिंगिंग भी करनी पड़ जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपको मल्टी टैलेंट तो होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आपने देखा ही होगा, आजकल सभी एक्टर्स अपना सॉन्ग भी रिलीज करते हैं, अपनी एक्टिंग भी करते हैं, डांसिंग में भी अपना बेस्ट कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में भी बेस्ट कर रहे हैं। तो हर चीज़ में बेस्ट होगे जभी तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। बट आपको लगता है कि यार, सिंगर में ही करियर बना लोगे, तो फिर आप यार नहीं, वो काम नहीं चलेगा। आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा, बट आपकी जो कोर होगी, बाई चांस आपकी कोर सिंगिंग है, तो आप अपनी कोर को बरकरार रखिए, बट थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों पे भी आपको फोकस करना होगा। तो मेरा कहने का मतलब साफ साफ है, मैं ज़्यादा डीप में आपको कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं साफ साफ बोलूँगा कि भाई, जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं, सबसे पहला काम आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आप चूज़ कर सकते हैं ऑडिशन देने जाएँ या ना जाएँ, आपके दूर पड़ रहा है, या जो भी कोई प्रॉब्लम आ जाए घर में, या फिर आप नहीं जा सकते, आपको वर्किंग डे है आपका, तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। बट रजिस्ट्रेशन तो यार, आप घर पे बैठे फिल कर ही सकते हैं। इससे कम से कम ये तो पता चलेगा कि ऑफिशियल जो टीम होती है, जब आपके पास कॉन्टैक्ट करती है, तो किस हिसाब से करती है, कैसे हमें बातें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, ये सब तो कम से कम आपका क्लियर होगा ना। तो ज़रूर दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि जितने भी लोग हैं, मैंने अक्सर देखा है, मैं उनको अपना लिंक सेंड कर देता हूँ फॉर्म का, फिर भी उसको फिल नहीं करते। वो सोचते हैं कि भाई क्या करेंगे, बाद में फिल कर लेंगे। यार, जब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई लिंक मैंने भेज दिया, आप फिल करो, यार मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप फॉर्म फिल नहीं करते तो आप समझ जाओ कि आप लेट हो चुके हो। बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि यार, फॉर्म निकल गए और लास्ट डेट बता दो मुझे और मैं आराम से भर लूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। बट मैं आपको बता दूँ यार, फॉर्म भरने में क्या है, नाम, डेट, अपना बर्थ ऑफ डेट और अपने फादर का नेम, अपना पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, जो कि आपका आधे घंटे का भी काम नहीं होता। आप फॉर्म भरने में देरी मत कीजिए, अगर आप देरी करते हैं तो लाखों लोगों को पता चलता है कि भाई फॉर्म निकल गए हैं, तो ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है वेबसाइट पे, जिससे आपका फॉर्म सबमिट होने में, डिटेल करेक्ट होने में और भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिससे कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता, एक्सेप्टेबल नहीं होता। कई कई बार जो ऑडिशन रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उनको जब लगता है कि फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भर चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं वेबसाइट्स को, या फिर सबमिशन को बंद कर देते हैं। अब क्या होगा, फॉर्म फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, आपके में दिखाएगा थैंक्स फॉर, आपने सबमिट कर दिया है,
बट रियलिटी में ये होगा कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वो बस आपको ऐसे गुमराह कर रहे हैं, हालांकि जो फॉर्म सबमिट होने थे वो पहले हो चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये चीज़ें भी चलती हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो इसका मैं इसीलिए बोलता हूँ जैसे ही फॉर्म निकले तुरंत भरने को, क्योंकि ये आपके लिए ही फ़ायदा है, इसमें आपका फॉर्म अच्छे से फिल होना भी ज़रूरी है। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हो कम से कम, चाहे एडवर्टाइजमेंट में ही क्यों ना हो। तो मिलता हूँ मैं दोस्तों इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।